सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, रोज मीठे मीठे बच्चे कहकर हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा आज कह रहे हैं हम बच्चों को, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। इसलिए उनके श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद भागवत गीता। बाबा कहते हैं सत्य में हर चीज अच्छे से अच्छी स्वतः प्रधान होती है, क्योंकि वहां मनुष्य स्वतः प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। बाबा कह रहे हैं स्वतः प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। बाबा यहां क्लियर कर दिया आज के मुरली में कि जितना हम अपने आप को शुद्ध पवित्र संस्कारवान शुद्ध संकल्पधारी बनाएंगे, अपने आप को श्रेष्ठ विचार से भरपूर करेंगे, सृष्टि भी वैसे ही बनती जाएगी, पूरा संसार बदल जाएगा मेरे खुद के बदलने से। बाबा कहते हैं आत्मा भी है तो तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इनमें है। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, कौन सी शरीर? ब्रह्मा बाबा द्वारा। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बाबा कहते हैं बरोबर, बाबा ने जिसमें पधारमणि की है, बा अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं, अंत जन्म में आता हूं। बाबा ने कहा बच्चों को समझाया गया है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान परमपिता परमात्मा देते हैं। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत जो परमात्मा हमें दे रहे हैं, क्योंकि श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है ऊंचे ते ऊंच भगवान की, और किसी की नहीं हो सकती है। जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा कहते तुम भ्रष्ट हो गए थे, तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो, तुम आते ही हो। इसीलिए बाप भी खुद कहते हैं मैं आता हूं तुमको श्रेष्ठ आचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनने आते हैं। सत्युग में मनुष्य रहते हैं परंतु देवी गुण वाले, अभी कलयुग में आसुरी गुण वाले है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु यह है ईश्वरीय वृद्धि। बाबा कहते हैं यह है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। इसीलिए सारी मनुष्य सृष्टि परंतु है ईश्वरीय बुद्धि, यह है आसुरी बुद्धि। वहां ज्ञान, यहां भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। तो श्री बाबा का पुस्तक एक ही है, भागते जो एक धर्म स्थापना करते हैं उनका पुस्तक भी एक होना चाहिए। भागते पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भागवत गीता। यह भी बच्चे जानते हैं पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापना हुआ और गीता गाई है कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से यह कृष्ण ने गाई है, कोई शास्त्र में श्री भगवान उवाच ही नहीं, श्रीमद् कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही तुमने हार खाई है, अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगजीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। यह तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने। शिव बाबा आते हैं जिनके तन में उनका नाम क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा।
तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मुंझ पड़ेंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म तन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं इसलिए सबको समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं पहले पहले जैसे आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, बीज से पहले नंबर में जो पत्ता निकला वो कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है, यह तो चेतन है ना। फिर पत्ते भी निकलते हैं, उनकी महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, देवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात यह है कि हमको देवी गुण धारण करना है, क्योंकि हमें सत्युग में जाना है। जितना देवी गुण धारण करेंगे उतना हम सुख पाएंगे, सुख पाएंगे तो सुख की दुनिया में जाएंगे। पूजा होती है हम बच्चों की, जितना हम यहाँ श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे, श्रेष्ठ विचार रखेंगे, उतनी अच्छी तरह हमारे भक्ति में भी पूजा होती है। भगवते तुम ही जानते हो, जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबर वन। फिर गिरते गिरते पांच तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर पांच तत्वों का है ना, पांच तत्वों की पूजा करो या शरीर की भी करो, एक ही हो जाती है। यह तो ज्ञान बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था यह नहीं जानते, इसलिए दुनिया वाले कह देते लाखों वर्ष। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर अनेक धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू धर्म कह नहीं सकते। तो बाबा करें, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता नहीं है। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाएं? भक्ति मार्ग में दिखाए हैं, लिखा हुआ है। सत्ययुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है, परंतु बाप बैठ हम बच्चों को यह सब राह समझाते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने बिगाड़ दिया सब, और बाबा आके सुधार रहे हैं। बाबा कह रहे सत्युग में इतना तो हो नहीं सकता, और कितना वृद्धि को पाते रहते हैं। भगत ड्रामा अनुसार वहाँ चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे, सत्युग में कहाँ से आएंगे, थोड़ी। वहाँ तो एक धर्म सब एक चीजें भरपूर रहती है, वहाँ धर्म वृद्धि को पाता रहता है। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मांगते हैं, मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सत्युग में तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होती है, वहाँ की हर चीज स्वतः प्रदान बहुत अच्छी होती है। तो सत्युग में जाने के लिए हम बच्चों को कितना खुश होना चाहिए। प्यारे बाबा रोज मुरली के आधार पर हम बच्चों को देवता बनने की ट्रेनिंग शिक्षा दे रहे हैं, तो खुशी खुशी से उसको धारण करनी हमें। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके देवी गुण धारण करना है, क्योंकि हम सत्युग में जाने वाले हैं। बाबा कहते हैं ये जो नदी है, कौन सी नदी? बाबा कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है, सबसे बड़ी नदी, जो कोलकाता में तरफ से सागर में जाकर मिलती है, मेला भी वहां लगता है। परंतु उनको यह पता नहीं कि यह आत्मा और परमात्मा को मेला है, वो तो स्थूल पानी को नदी को बोल दिए हैं। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मपुत्री जो नदी है, वास्तव में संगम की बात है। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र परंपरा से चलाते, भाई परंपरा कहां से है? तो यह समझने की बात है, थोड़ा हमें अपनी बुद्धि से बाबा इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, क्योंकि अभी संगम युग है, और संगम युग की बात फिर नई दुनिया आएगी। तो बाबा धारणाओं में कहते हैं गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चेतन क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है।
इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है, खुशी में रहना है, मुस्कुराते रहना है, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। बाबा आज वरदान दे रहे हैं, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कह रहे हैं जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे फलो फादर करो, साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबरा हुआ हो, आपके सामने आए लेकिन आपकी एक दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे, व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। बाबा स्लोगन में कह रहे जो सच्चे रहम दिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान का आकर्षण नहीं हो सकती। इसलिए आज के मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं संपूर्ण दिव्य शक्तिधारी पवित्र आत्मा हूं। इसी के साथ मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए बाबा को 24 घंटे याद करेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, बाबा को प्यार से बातें करते हुए 24 घंटा अनुभव करेंगे, सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।